हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर टेन ऑफ योर गुलमोहर बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रनिंग अवे हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनिंग अवे रनिंग मीन्स होता है दौड़ना एंड अवे मीन्स होता है दूर ओके तो ये एक ऐसी कहानी है कि वे किस तरह भाग के कोई कहा दूर गया उसके बारे में हम जानेंगे कि किसके साथ क्या हुआ सो लेट्स बिगिन द स्टोरी चैप्टर टेन रनिंग अवे वेन मार्टियंस अराइव ऑन अर्थ हियर मार्टियंस मींस होता है स्टूडेंट्स क्रिएटर्स फ्रॉम मार्स ओके मतलब कि कोई ऐसी वस्तुएं या चीजें जो कहाँ की संबंधित हो मंगल ग्रह से संबंधित हो उसे हम कहते हैं मार्टियंस ओके सो वेन मार्टियंस अराइव ऑन अर्थ जब फ्रॉम मार्ट अराइव अर्थ यानी कि जब दो क्रिएटर दो वस्तुए कहा से आई मंगल ग्रह से पृथ्वी पर पहुंची मोस्ट पीपल बिलीव दैट दे हैव ओनली कम टू विजिट अवर प्लेनेट तो ज्यादातर लोगों का मानना था की वे केवल हमारे ग्रह की यात्रा करने के लिए आए हैं बट द मार्टियंस फ्लैश अ ग्रीन लाइट किंतु जब मंगल ग्रह से संबंधित वे जीवों ने हरे रंग का प्रकाश गिराना शुरू किया यानी कि जब उसमें से ग्रीन लाइट आने लगी बर्निंग ट्रीज एंड किलिंग केल, पीपल तब पेड़ जलने लगे और कई सारे लोग मर रहे थे द नरेटर क्विकली टेक्स हिज वाइफ टू सेफ्टी जो कथा कि जो नरेटर यानी कि जो अपनी कथा सुना रहा है यानी कि जो अपनी कहानी बता रहा है उसे बोलते हैं नरेटर ओके okay? तो जब नरेटर अपने बारे में बता रहा है वह कह रहा है मैंने जल्द ही अपने परिवार और सुरक्षा के लिए ले गया मतलब जो उसकी फैमिली थी उसे उसकी सुरक्षा के लिए वे ले गया ही हाउ हेवर डिसाइडेड टू रिटर्न एज ही इज कॉन्फिडेंट और उसने यह निर्णय लिया कि जब वे सब ठीक हो जाएगा वे वापस वहां से लौट आएगा उसे यह विश्वास था दैट द दार्ट विल बी इजिली डिफीटेड बाय द आर्मी यह विश्वास के साथ कि जो मार्टियंस यानी कि जो मंगल ग्रह की वस्तु है या जीव आए हैं वे आसानी से सेना द्वारा हरा दी जाएंगी तब वे लौट आएगा आई ड्रॉप द कार्ड स्ट्रीडली मैं निरंतर अपनी बग्घी चला रहा था वे अचानक द रोड अराउंड मी एक हरे रंग की रोशनी मेरे चारों और सड़क पर गिरी यानी की रोड पर ओके एंड लाइन ऑफ ग्रीन फायर लिट अप द ग्रीन फील्ड टू माई लेफ्ट और मेरे बाई और के उसने सारे खेतों को जला दिया इट वाज द थर्ड मार्टियन जब मैंने देखा तो मुझे क्या पता चला कि वो तीसरा मार्टियन था यानी कि मंगल ग्रह से आया हुआ तीसरा जीव था बिफोर आई हैड टाइम टू थिंक इससे पहले कि मैं सोचने का समय लगाता रेन थंडर एंड लाइटनिंग लाइटनिंग ब्रस्ट अपॉन अस तो बारिश हुई और तेज बिजली हम पर गिर गई माय टेरिफाइड हॉर्स रेस्ड डाउन द हिल जो मेरा डरा हुआ घोड़ा था पहाड़ी से नीचे दौड़ रहा था एज आई नोटिस समथिंग यूज तब मैंने गौर किया या मैंने ध्यान दिया कि कुछ बहुत बड़ा था। इन दी अपोजिट डायरेक्शन जो कि हमारी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि हमसे उल्टी तरफ में नीचे की ओर तेजी से आ रहा था बाय अ लाइटनिंग फ्लैश आई सॉ थिंग क्लियर एंड ब्लाइट बिजली की चमक से मुझे वह सारी चीजें साफ और अच्छे से चमक हुई चमकती हुई दिखाई दे रही थी एन ओवर यंग ट्रीज ये स्टूडेंट अन मीन्स होता है बड़ा ओके विशाल जी से बोलते बहुत बड़ा और ट्राइपोड मीन्स होता है ऐसी चीज जिसके तीन पैर हो ठीक है उसे बोलते हैं ट्राइपोड तीन पैर वाला उसने क्या देखा एन एनॉर्मस ट्राइपोड वॉज स्टेपिंग ओवर यंग ट्रीज उसने देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल ट्राइपोड पेड़ों के ऊपर उतर रहा है एंड स्मैशिंग और उन्हें नष्ट कर रहा था आई वॉचड इन शॉक मैं उसे देखकर बहुत चक्का रह गया एस अनादर एनॉर्मस ट्राइपोर्ड अपियर फ्रॉम द वुड्स जब मैंने देखा कि एक और विशाल ट्राइपोड जंगल में देखा जा रहा है यानी कि वह जंगल में उसने एक और देखा बेंडिंग द ट्रेस टू क्लियर इट्स वे जो क्या कर रहा था पेड़ों को नष्ट कर रहा था मोड़ रहा था तोड़ रहा था अपना रास्ता साफ करने के लिए इट वॉज स्ट्रेट टूवर्ड्स मी मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे तेजी से सीधा मेरी और ही बड़े चले आ रहे हैं आई पेनिक्ड मैं घबराया आई डेस्परेटली पुल्ड माई हॉर्से राइट मैंने आशाहीन और दो दो पूर्वक अपने घोड़े को दाई और लिया मतलब कि वो पहले लेफ्ट में था फिर उसने उसे राइट साइड लिया बट माई कार्ट ओवर इट्स साइड एंड आई फेल किंतु मेरी जो बग्गी थी लुढ़क गई टॉपल्ड मीनस होता है लुढ़कना ओके मेरी जो बग्गी थी वह लुढ़क गई और उनकी और में गिर गया और मैं दूसरी साइड गिर गया i hid under a bush मैं झाड़ियों के नीचे छुप गया my horse ran away मेरा घोड़ा भाग गया था the enormous machine was walking up hill और मैंने देखा कि जो विशाल मशीन थी जो ट्राइपॉड थे, वे पहाड़ियों के ऊपर चल रही थी it had not noticed me लेकिन उसने मुझे मुझ पर ध्यान नहीं दिया था आई रन टू वार्ड द वुड्स में जंगल की ओर भागा Here, student, woods means लकड़ी नहीं होता जंगल होता है okay? मैं जंगल की और भागा स्टम्बलिंग थ्रो द वाइल इन डार्कनेस लड़खड़ाते हुए अंधेरे में एक अनजान सी जगह में मैं चलता जा रहा था आई एंटर्ड माई हाउस में अपने घर में प्रवेश किया ट्रम्बलिंग वॉलेंटली बड़े ही हिंसात्मक और कांपते हुए मतलब कि वे बहुत घबराया था और भागते भागते थक चुका था तो वह ट्रेवलिंग मतलब कांप रहा था और कांपते हुए वह अपने घर में पहुंचा आई वेंट टू माई स्टडी एंड लुकड आउट थ्रू माई विंडो मैं अपने अध्ययन कक्ष में गया और वहां की खिड़की से बाहर देखा द थंडर स्ट्रॉम हेड पास्ट जो तूफान आया था वह गुजर चुका था द होल कंट्री साइड वॉज अ ब्लेज जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र था वह पूरी तरह जल चुका था ब्लेज मीन्स होता है जलना ओके okay? बर्निंग फियर तो जो पूरा क्षेत्र था वह जल चुका था आई कुडंट सी द टॉवर ऑफ द ओरियंटल कॉलेज इवन मैं जो गांव का या जो ग्रामीण पूर्व गण का जो निचला हिस्सा था उसे भी नहीं देख पा रहा था यानी कि जो उसका टॉवर था लोअर हिस्सा था मैं उसे भी नहीं देख पा रहा था और इवन द ट्रीज अराउंड इट और आसपास के ना ही कोई मुझे पेड़ दिखाई दे रहे थे The छोटी सी दुनिया हुआ करती थी वाट आर दे वे क्या थे मैं ये सोचते हुए हैरान रह गया आई वंडर मैं अचंबित था क्या आखिर ये थे क्या आर दे इंटेलिजेंट मशीन्स क्या वे इंटेलिजेंट मशीन्स थी और डिन सिट इन साइड ईच ट्राइपोड कंट्रोलिंग इट लाइक अटर जो मार्टिन साइड इच ट्राइपोड यानी की जो हर एक ट्राइपोड के अंदर एक मार्टिन यानी की मंगल ग्रह से आई वस्तु बैठी हुई थी वो कंट्रोल कर रही थी सबको एक रोबोट की तरह सडनली आई सो अजर क्लाइंबिंग डाउन माई गार्डन फेंस अचानक मैंने एक सोल्जर यानी की सैनिक जो मेरे बगीचे की दीवार से चढ़ रहा था मतलब की उतरनाओ से देखा The soldier was a part of the army sent to talk to the Martians. वह सैनिक आर्मी का एक हिस्सा था जो मार्टन से बात करने के लिए भेजा गया था बट द had flashed that ग्रीन लाइट लेकिन किंतु उन्होंने मार्टिन फिर से प्रकाश किया कैसा वही हरे कलर का प्रकाश एंड किल्ड everyone और सभी सैनिकों को मार गिराया द स्टिल टिल द ट्राईपोर्ट लेव लेकिन जो गिरा हुआ सैनिक था वे वहीं पर खड़ा रहा था मतलब कि वहीं गिरा रहने का नाटक या लेटे रहने का जब तक कि वे ट्राईपोर्ट चले नहीं गए वहां से फ्रॉम माई विंडो वी कु ट्राईपोर्ट इन डिस्टेंस मैंने मेरी खिड़की से उन तीनों ट्राईपोर्ट को दूर से देख रहा था एग्जाम द डैमेज और निरीक्षण कर रहा था सॉरी प्रशिक्षण कर रहा था कि उन्होंने कितनी क्षति पहुंचाई थी फिर मैं वे सोल्जर को लेकर आया और साथ ही में द नरेटर एंड द सोल्जर रियलाइज वे सोल्जर और नरेटर यानी कि जो सैनिक और जो कथा सुनाने वाला व्यक्ति है वे कह रहा है कहानी जो अपनी बता रहा है कि हमारा इस घर में रहना बहुत ही असुरक्षित सो दे पिग्ड एज मच एज फूड एंड वाटर तो उनसे जितना हो सका उन्होंने अपने घर से खाना भोजन पानी एज दे गुड जितना वे ले सकते थे फाइंड इन दी हाउस एंड सेट ऑफ फॉर लंडन लिया और वे लंडन के लिए रवाना हो गए तो वो किस तरह वहां से छोड़कर चले गए या भाग गए ये उनकी कहानी थी किसकी जो नरेटर था उनकी सो हियर इज द एंड ऑफ द स्टोरी होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड स्टोरी थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग